दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के मंजर की तस्वीरें छोड़ गया है। वहीं आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23-24 मई को ये साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे यस कहा जाएगा। आपको बता दे कि ये नाम ओमान ने दिया है। आपको बता दे कि अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक ये दबाव का क्षेत्र बढ़कर चक्रवाती तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। आईएमडी की सुनीता देवी के मुताबिक हमारे सीमा क्षेत्र में आने पर आधिकारिक तौर पर पूर्वानुमानों में इसका उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एक अन्य चक्रवाती तूफान के स्पेशल अलर्ट में कहा गया है कि 23-24 मई को साइक्लोन बनने के बाद ये 27 से 29 मई के बीच लैंडफॉल का कारण बन सकता है। इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। वहीं इस वक्त हवाओं की स्पीड का अनुमान 140 से 150 किलोमीटर के करीब जताया गया है। वहीं सुनीता देवी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि समुद्र की समतह का तापमान SST बंगाल की खाड़ी से 31 डिग्री ऊपर है, जो कि औसत तापमान से 1-2 डिग्री तक ऊपर है। ये परिस्थितियां ऐसी हैं जो चक्रवाती तूफान के बनने के लिए अनुकूल है। वहीं आपको बता दें कि चक्रवात ताउते के चलते गुजरात में कम से कम 13 लोगों की जान गई है। राज्य के कई हिस्सों में साइक्लोन ने तबाही मचाई और उसके निशान अपने पीछे छोड़ गए। इस तूफान में हजारों पेड़ टूटे, खंभे उखड़े और घरों को नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि अत्यंत भीषण स्थिति में पहुंचा चक्रवाती तूफान ताउते अब बेहद कमजोर हो गया है और कुछ ही घंटों में एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और गुजरात के तटों से अत्यंत भीषण चक्रवाती साइक्लोन ताउते के टकराने के बाद लैंडफॉल की प्रक्रिया सोमवार देर रात को खत्म हो गई। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ताउते का असर 19 और 20 मई को उत्तर पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। मंगलवार शाम तक चक्रवाती तूफान सौराष्ट्र तक केंद्रित था। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।